आपको जिसका इंतजार है और अपने बच्चों की कला यहाँ पर जो साल भर में हम जो इनको सिखाते हैं कुछ यहाँ पर झलकी आपको बताई और इस हिसाब से अपनी श्री चंद्रपुर पाठशाला और श्री चंद्रपुर जैन संस्कार वाटिका चलती है। इन सब कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत अनुमोदना और ज़ोर से तालियां चाहूँगा सभी। आपको जिस घड़ी का इंतजार है और ये जो नाटिका है कहते हैं इसका नाटिका भी हो सकता है काल चक्र, जो पढ़ने के लिए भी काफ़ी उनको समझना और उनको याद रखना भी कठिन बात है, ऐसा यह जो काल चक्र है उसके पर नाटिका तैयार की है और नाटिका का रूपांतर दिया है उनका संयोजन, जो बहुत ही मेहनत करके हमारे जो टीचर्स ग्रुप के अंदर वड़ील के रूप में हैं ऐसे सुशीला बहन, और इनका साथ दिया है शुभदा बहन शाह ने, और उनको पूरे पूरा ये नाटिका का रूप दिया है, और जिनको बिठाने के अंदर पूरे पूरी जो मेहनत है हमारी टीचर्स ने यहाँ पर जैसे महेश भाई ने बताया वैसे 2 महीने से लगाई है, और आपके सामने अभी प्रस्तुत होगी एक काल चक्र की भव्य नाटिका। हेलो इतने सारे लोग, लगता है कि कोई अच्छी चीज बता रहे हैं, किसको पूछूं? अच्छा हुआ आप आ गई, बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई पिक्चर या नाटिका बता रहे हैं क्या? सुनो मेरे दोस्त, अभी तक तुमने अनेकों कहानियाँ सुनी होगी, कभी राजा महाराजा की, तो कभी महान पुरुषों की, तो कभी परियों की, भूत या राक्षसों की, तो कभी भगवान के वीर गाथाओं की, लेकिन क्या कभी तुमने अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल चक्र की कहानी सुनी है? क्या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी और क्या कहा तुमने, काल चक्र? मैंने तो पंच चक्र, ढिशक्याओं मिथुन चक्र के बारे में सुना है। अरे बुद्धू, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या ये अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कोई नागिन या राक्षसी है क्या? नहीं नहीं मेरे नादान दोस्त, ये तो सुख से दुख और दुख से सुख की यात्रा है। चाहे विश्व कैसा है विश्व तो जान सर्वज्ञ से, कह गए केवल ज्ञान महावीर गौतम गणधर से। क्या है विश्व कैसा है विश्व तो जान सर्वज्ञ से, कह गए केवल ज्ञान महावीर गौतम गणधर से। काल चक्र के तीनों आरे, स्वर्ग के संपूर्ण सुख बसे हैं जिसमें सारे। ना रोग है ना शोक है ना आधि ना उपाधि, ना आकुलता ना व्याकुलता जहाँ हरदम रहे समाधि। ना वेर ना आवेश जहाँ पर हर घड़ी उजियारी, जहाँ कल्प वृक्ष बना है जिनका मंगल और हितकारी। ये जो स्वर्ग का सुख बता रहे थे वह वो वृक्ष ही स्वर्ग जैसा था क्या? मेरे दोस्त
वो वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष था, जिस पर इच्छा करने से सब कुछ मिल जाता था। सुना नहीं तुमने, वहाँ पे रोग है न शोक है, न आदि है न उपाधि है, न आकुलता है न व्याकुलता है, वहाँ पर हर घड़ी है उजियारी, वहाँ पे न द्वेष है न आवेश है, वहाँ पर हर दम रहे समाधि। ये क्या, मैंने तो घड़ी के कांटे को घूमते हुए देखा है, पर यहाँ तो घड़ी ही घूम रही है। मेरे दोस्त, ये घड़ी नहीं बल्कि यही तो काल चक्र है, जिस पर घड़ी की तरह ही 12 भाग होते हैं। एक तरफ 6 आरे होते हैं, सुख से दुख की ओर उतरते हुए आरों को अवसर पीनी कहते हैं, और दूसरी ओर भी 6 आरे होते हैं, दुख से सुख की ओर बढ़ते हुए आरों को अवसर पीनी कहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। लगता है तुम्हें और आप सबको ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा, तो आओ आप सबको दिखाती हुए काल चक्र अखंड नाटिका। आज हम दोनों और हमारे पाठशाला के अन्य बच्चे एक एक आरा की एक एक झलक बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभाव कृपया शांति बनाए रखें, आपका प्रोत्साहन ही हमारा मनोबल है। इस कहानी की शुरुआत भले ही हम नन्हे नन्हे कलाकारों ने की है, लेकिन आपको इस कहानी की झलकियाँ तो आपको इस कहानी की रचयिता ही बताएंगे, तो बड़े ही स्नेह और बड़े ही गर्व के साथ हम बुलाने जा रहे हैं हमारी शिक्षिकाओं को, सुशीला भंडारी जी और शुभदा शाह जी को। धन्यवाद। श्री चंद्र प्रभ स्वामी भगवान की बोले, श्री चंद्र प्रभ स्वामी भगवान की। यहाँ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान देवेंद्र सागर जी महाराज साहिब जी, महापद्म सागर जी महाराज साहिब जी आदि ठाणा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। काल चक्र यानी कि भूत भविष्य वर्तमान समय का जीवन काल, इसी को नाटक के स्वरूप में दर्शाने जा रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने वाटिका के बच्चे। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। काल चक्र एक अखंड नाटिका है, कृपया कर बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु अखंड स्थिरता और शांति बनाए रखे। इस नाटिका के संपूर्ण होने के बाद ही एक एक आरे का ग्रुप फोटो होगा, तो पेरेंट्स से नम्र निवेदन है कि वे बच्चों को फोटो होने के बाद ही ले जाएं। और अब बिना विलंब किए देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले आरे का। हेलो, इस अवसर पिणी काल चक्र का मैं हूँ पहला आरा। मेरा नाम है सुषम। मेरी समय सीमा 4 कोड़ा कोड़ी सागरूपम है। मेरे आरे में मनुष्य की ऊंचाई 3 कोस, आयुष्य 3 पल्युपम यानी कि असंख्य वर्ष है। मेरे समय में युगलिंग यानी कि जोड़े में ही जन्म होता है और यही जोड़ा शादी भी करता है। इनकी मृत्यु इतनी सरलता से होती है कि एक को छींक और एक को जम्बाई से यह मरकर देवगति में ही जाते हैं। पहले आर्य के युगलिंग कितने सुखी थे, खाने पीने की पूर्ति भी कल्प वृक्ष ही करते थे, फिर दुख किस बात का था, सुख ही सुख था वहाँ। उनकी भूख भी तो कितनी, सिर्फ 3 दिन में एक ही बार, वो भी तुअर दाल जितनी। और हमें देखो ना, सारा दिन सर सर करते ही रहते हैं। फिर तो उस समय की भूख और इस समय की भूख में इतना अंतर क्यों है? यही तो काल चक्र की महिमा है। जैसे ही आरे का समय बदलता गया, वैसे ही इंसानों की भूख का प्रमाण बढ़ता गया। सिर्फ खाने में ही बदलाव आया था या बाकी गतिविधि में भी?
ये जानने के लिए तो हमें दूसरे आरे में जाना होगा। मैं इस अवसर पीनी काल चक्र का दूसरा आरा हूँ। मेरा नाम है सुषम। मेरी समय सीमा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण है। शरीर की ऊंचाई 2 कोस, आयुष्य 2 पल्योपम। पहले आरे की तुलना में मेरे आरे में देह बुद्धि आयुष्य सुख आदि गुणों में निरंतर कमी होती है, परंतु आहार के प्रमाण में वृद्धि होती है। मेरे आरे में 2 दिन में एक ही बार बैर के प्रमाण जितनी भूख लगती है। शेष वर्णन तो प्रथम आर्य के समान ही है। मैं सुखी सुख तो नहीं, परंतु सुख जरूर है। मेरे सुख का कारण है कल्प वृक्ष। मैं हूँ चित्ररसांकल्प वृक्ष। मैं मधुर रस युक्त भोजन एवं मिठाइयाँ देने वाला हूँ। कल्प वृक्ष जी, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे तो आज बड़े जोरों की भूख लगी है। भले ही 2 दिन में एक बार एक बेर जितनी, लेकिन भूख तो भूख होती है। मुझे तो छोटे छोटे मोतीचूर के लड्डू खाने का बड़ा मन कर रहा है। तथास्तु। मैं हूँ मुव्यांग कल्प वृक्ष। सुवर्ण रत्न आदि सर्व प्रकार के आभूषण देने वाला हूँ। कल्प वृक्ष जी, हमारा भी कोटि कोटि प्रणाम। कल्प वृक्ष जी, मुझे बहुत अच्छे रत्न दे दो। मुझे इनके जैसे भूख तो नहीं लगी, पर नए नए आभूषण दे दो। तथास्तु। मैं हूँ मतांग कल्प वृक्ष। आरोग्य की पुष्टि करने वाला, ऐसे फल फूल देने वाला मैं हूँ कल्प वृक्ष। मतांग कल्प वृक्ष जी, आपको हमारा प्रणाम। मुझे तो किसी भी तरह का मोह नहीं है। मुझे तो बस अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मुझे तो पता ही था आप तो आरोग्य आरोग्य ही करोगे। कल्प वृक्ष जी, मुझे तो बस अच्छे स्वादिष्ट फल और फूल चाहिए। तथास्तु। जैसे हमने अभी अभी जाना कि दूसरे आरे में सुख का कारण था कल्प वृक्ष, जो सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं देते थे बल्कि सब कुछ देते थे। मैं हूँ गृहाकार कल्प वृक्ष। विविध आकार के इच्छित मंजिल युक्त गृह देने वाला कल्प वृक्ष हूँ मैं। मैं हूँ अनियत कल्प वृक्ष। किसी भी प्रकार की वस्तु की पूर्ति करने वाला तथा बहुमूल्य वस्त्र देने वाला कल्प वृक्ष हूँ मैं। मैं हूँ भूतांग कल्प वृक्ष। मैं हूँ भूतांग कल्प वृक्ष। रत्न सुवर्णमय आदि स्वप्न धातुओं के बर्तन देने वाला कल्प वृक्ष हूँ मैं। मैं हूँ तुयांग कल्प वृक्ष। मैं वीणा सारंगी आदि 49 प्रकार के वाद्य सुनाने वाला हूँ मैं कल्प वृक्ष। मैं हूँ दीपशिकांग कल्प वृक्ष। दीपक सम प्रकाश देने वाला कल्प वृक्ष हूँ मैं। मैं हूँ ज्योतिषिकांग कल्प वृक्ष। सूर्य सम प्रकाश करने वाला कल्प वृक्ष हूँ मैं। मैं हूँ चित्रांग कल्प वृक्ष। विचित्र प्रकार की पुष्प माला देने वाला चित्रांग कल्प वृक्ष हूँ मैं।
वाह, अद्भुत। कल्पवृक्षों के कारण युगलिकों का जीवन कितना सुखमय था ना। उन्हें तो सब कुछ कल्पवृक्षों द्वारा मिल जाता था। वो कितने सुखी थे ना। सुख, क्या सुखी हमारे जीवन का आधार है? क्या हम हमेशा सुखी ही रहेंगे? नहीं, उत्तरोत्तर आने वाले काल के प्रभाव से कल्पवृक्षों की महिमा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और वे लुप्त हो जाएंगे और दूसरे आर्य तक की सुखी सुख सीमित था। जैसे दिन और रात धूप और चाव की जोड़ी है, वैसे ही तीसरे आर्य में सुख की जोड़ी होगी दुख। दुख की शुरुआत अल्प संख्या में होगी। दुख, ये दुख क्या है? अब इस दुख को जानने के लिए क्या हमें तीसरे आर्य में जाना होगा? हाँ, तीसरे आर्य के अंत में होगा दुख का प्रारंभ। थर्ड आ रहा है म्यूजिक में, थर्ड आ रहा। मैं हूँ इस अवसर पर निकाल चक्र का तीसरा आरा। मेरी समय सीमा है 2 कोटा कोटी सागरोपम। मेरे आरे में मनुष्य की ऊंचाई 1 कोस, आयुष्य 1 पल्यपम और आहार 1 दिन अंतरा आंवले के प्रमाण जितना। मेरे आरे में सुख ज़्यादा है पर दुख भी थोड़ा है। दुख का कारण अशुभ पुद्गल बढ़ने की वजह से कल्प वृक्ष की महिमा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो क्या मेरे आर्य में प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभ देव भगवान का जन्म महोत्सव इंद्रदेव मेरु पर्वत पर मना रहे? आओ हम सब इस दृश्य का आनंद ले। रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए आयो हाय हाय। रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए आयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। रास रची लो साज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी आचा आचा टम टमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी हर घाए हयू
कंपनी बनेगी। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। सज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी, आजा आजा टमटमाता शमणा हो जे लवी ओ लवी।
जो हमें आज तीर्थंकर परमात्मा का जन्म महोत्सव देखने का सुअवसर मिला। वाह, हेलो, हम तो धन्य धन्य हो गए। जैसा कि हम सब ने देखा कि दूसरे आरो में युगलिकों की सारी पूर्ति कल्प वृक्ष करते थे, इन्हें भूख लगती भी तो कितनी, एक दाने जितनी। धीरे धीरे भूख का प्रमाण बढ़ता गया और कल्प वृक्षों ने भी रुष्ट होकर देना बंद कर दिया। अब युगलिकों में हाहाकार मची है। अब इन भोले नादान युगलिकों की समस्या का हल कौन और कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं एक झलक। हेलो पूज्य गुरु, कृपया शांति बनाए रखें। बहने, अगर आप शांति बनाएंगे तभी कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। हेलो, बताइए कैसे आना हुआ, क्या तकलीफ है आपको? क्या आपको पता है, शायद कल्प वृक्ष हमसे नाराज हो गए। नहीं ठाकर जी, मुझे तो लगता है कि वह बूढ़ा हो गया है। मेरा तो यह तर्क है कि इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई या फिर हमारे अशुभ कर्म उदय में आ गए हैं। मेरी पत्रिक आत्मा, क्या बात है, गीत ही गाते रहोगे, कुछ अच्छे से भी बताओगे? है ना दाता, हमें पहले सब कुछ मिल जाता था, कल्प वृक्ष के आगे जो भी मांगो। हाँ हाँ, सब कुछ, रोटी मांगो तो रोटी, कपड़ा मांगो तो कपड़ा, इतना ही नहीं, मकान, आभूषण, फल, फूल, सब कुछ। अभी तो सब चीजों के वाफे पड़ गए हैं, सभी लुप्त ही हो रहे हैं, अब तो भूखे मरने का समय आ गया। दाता, अभी आप ही कुछ निवारण कीजिए। देखो युगली को, आप निराश मत हो, कर्म तो लुप्त होना ही था, इसका प्रभाव तो तीसरे आरे के अंत की था। अभी आप लोगों को जीवन निर्वाह के लिए कठिन पुरुषार्थ करना होगा। कठिन पुरुषार्थ यानी क्या? पुरुषार्थ यानी क्या? हमें क्या करना होगा, कैसे व्यतीत होगा हमारा जीवन? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी क्या, विस्तार से समझाइए। राजा जी, हमारे पेट में तो खलबली मची है, इस भूख का क्या करें? पुरुषार्थ बाद में बताइएगा, पहले हमारे भूख का निवारण कीजिए। राजा जी, क्या आपको पता है, आज हमने जंगल में बड़ी अजीब सी चीज देखी। हाँ हाँ, वो तो बढ़ते ही जा रही है, वो तो कोई भयंकर चीज थी जो बढ़ते ही जा रही है। हमें तो डर लग रहा है, उसके पास जाते ही गर्मी महसूस होती है और खुजली सी आ जाती है। युगली को, आप ऐसे विचलित मत हो, वो हो कोई भयंकर चीज नहीं, बल्कि वही तो अग्नि है जिसका प्रयोग कर आपको अनाज पकाना होगा। कुछ मिलेगा। बोलो। एक आलो। अबे तुम लोग खा लो। राजा जी, क्या बात है? अग्नि तो इतनी भूखी थी कि सारा अनाज उसी ने खा लिया। खाया कहाँ, उसने तो सारा भस्म कर लिया। जला हुआ कैसे खाए, इससे अच्छा तो कच्चा खा ले। मेरे प्यारे युगली को, तुम कितने सरल और नादान हो। अग्नि में अनाज फेंकने से खाना नहीं बनेगा, वो तो जलने ही वाला था। उसके लिए आपको मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे, पहनने के लिए कपड़े बुनने होंगे और शरीर को सुव्यवस्थित रखना होगा और नाखून व बाल को साफ रखना होगा
और यही से तुम्हारी सांसारिक जीवन का प्रारंभ होगा। राजा ऋषभ देव ने साधु बनने से पूर्व युगलिकों की शिल्पादि 64 कलाओं का ज्ञान देते हैं और इसी तरह सभ्यता का विकास शुरू होता है। इसी आर्य में एक चक्रवर्ती का जन्म होता है। प्रथम तीर्थंकर के निर्वाण के 3 वर्ष 8.5 महीने पश्चात चौथे आर्य का प्रारंभ होता है। मेहरबान कदरदान, यहाँ पे विराजमान पुण्यात्माओं, मेरा स्वागत नहीं करोगे? दादोसा ओ दादीसा, मोमोसा ओ मोमीसा, जोरदार तालियों से मेरा स्वागत नहीं करोगे? मैं हूँ इस अवसर पर निकाल चक्र का चौथा आरा। मेरी समय सीमा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, आयुष्य पूर्व करोड़ वर्ष और आहार अनियमित है। मैं इस काल चक्र का सबसे भाग्यशाली और ऐतिहासिक आरा हूँ, बताओ क्यों? मेरे आरे में शेष 23 तीर्थंकर भगवान का जन्म अवतरण हुआ है। इतना ही नहीं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव का जन्म भी मेरे ही आरे में हुआ है। जब मेरे आर्य की आयुष्य 3 साल 8.5 महीने शेष थी, तब 24वें तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हुआ। संगीत क्यों बज रहा है? क्या हम किसी का जन्मोत्सव मना रहे हैं? किसी का जन्मोत्सव नहीं, प्रभु का जन्मोत्सव तो हम 3rd पार्ट से मना चुके। आज हम जिन शासन स्थापना दिन मनाने जा रहे, चलो आ जाओ, हम सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है आनंद और उत्साह के साथ में
मानिए के साथ में तालियां बजाते हुए इनका आनंद लीजिए। जहाँ सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार, जहाँ त्याग तपस्या दीक्षा धर्म की होती है बौछार, करो जीव मात्र सम्मान ऐसा जिसका आह्वान, करो जीव मात्र सम्मान ऐसा जिसका आह्वान, शासन सबसे महान, शासन जग की शान, बने शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 जिन शासन को वंदन। शासन को आंधिया तूफान, नहीं मिटने देंगे हम कभी इस जिन शासन की शान, कर देंगे रक्त की बूंद बूंद को शासन पर कुर्बान, कर हीर यही अरमान सभी जीव बने भगवान, शासन सबसे महान, शासन जग की शान, बने शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बने शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बने शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन। जैसे हम देश के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी का माहौल देखते हैं, ठीक उसी तरह हाँ वाकई कुछ ऐसा ही दृश्य था।
क्या आप सबको नहीं लगता कि हमें भी महावीर स्वामी ने जो धर्मों में धर्म सबसे श्रेष्ठ जैन धर्म की जो स्थापना वैशाख सुदी 11 के दिन की है उसे भी मनाना चाहिए। जिस तरह हम बड़े गर्व से स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, काश उतने ही गर्व से जिन शासन स्थापना दिवस को याद कर पंचवर्ण ध्वज लहराते। हाँ ठीक कहा आपने, और आपने कहा था चौथे आरे में ज्यादा दुख और सुख अल्प मात्र है, तो क्या हमें आने वाले पांचवें आरे में दुखी दुख है? दुखी दुख तो छठे आरे में है, पांचवा आरा तो अधिक दुख एवं विषमताओं से भरा हुआ है। मैं हूँ इस अवसर पीनी काल चक्र का पांचवा आरा। मेरा नाम है दुष्यम दुष्यम। दुष्यम दुष्यम यानी कि दुख ही दुख। मेरे आरे में जन्म लिया हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता, मुझे अच्छे से पता है। दुख तो किसी को भी पसंद नहीं। मैं आपके साथ बिन बुलाए परछाई बनकर रहता हूँ। मेरा आयुष्य 21,000 वर्ष का है। देह मान 7 हाथ, आहार आदि अनियमित होता है। भाइयों और बहनों, ये पांचवा आरा तो बहुत ही रोमांचक है। इस आरे में इंसानों के जीवन की हर घड़ी हर क्षण संघर्ष से भरी हुई है। हम चंचल जीव हमेशा दुविधा मोह माया में जकड़े रहते हैं। इस संसार रूप दावानल यानी कि जंजाल से मुक्त हुए तो बेड़ा पार यानी कि साक्षात दादा सिमंदर के चरणों में शरण, वरना दुर्गति निश्चित यानी सीधा छट्टारा। अवसर पे निकार का छठा रहा हूँ। मैं क्या वर्णन करूँ। मैं इस अवसर पे निकार का छठा रहा हूँ। मेरा क्या वर्णन करूँ। जिस प्रकार तीसरे आरे में कल्प वृक्ष का लोप हो गया, उसी प्रकार मेरे आरे में खुशियों का लोप हो गया यानी दुखी दुख हूँ मैं। मेरा आयुष 21,000 वर्ष प्रमाण का है। मेरे आरे में इंसान एक हाथ का और आयुष 20 वर्ष का है। कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आधी है ये सलसला है पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित नाच मात रक्त चरित रक्त
जरा जाके कुछ खाने का बंदोबस्त कर। फिर दिन निकल जाने के बाद सूरज ऐसी आग उगलने लग जाएगा कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। जा, जल्दी जा। इतनी भूखी है तो खुद ही जा और हम सबके लिए कुछ लेकर आ। मैं कब तक तुम सबको पालूंगी? तेरी पत्नी को बोल कुछ काम करे। मुझसे नहीं होगा कुछ भी, तुम्हें जाना है तो जाओ। चितलिया, घसीट के लेके जाओ उसको, सारा दिन जुबान लड़ाती रहती है। बुढ़िया सटिया गई है क्या? दिन की गर्मी और रात की सर्दी में बाहर जाना नामुमकिन है, भूल गई क्या? सिर्फ सूर्योदय के समय ही हम बाहर जाकर मछली पकड़ सकते, इसे मालूम है, फिर भी रोज का नाटक करती रहती। माँ और तेरी बीवी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी रोज खिच खिच और खाओ खाओ करते रहते हैं। जा, तू ही जा, इतनी जा, तू ही जा, मछली पकड़ कर तो दिखा। इतना खींचा तानी में तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, देखते हैं। हाँ हाँ, मैं ही जाऊंगी और मछली पकड़ कर उन्हें रेती की गर्मी में पकाकर अकेले ही खा जाऊंगी। तुम सारे मुंह ताकते रह जाओगे। इसे मुझे खाने दो, तुम्हें पता है ना कि मैं पेट से हूँ। भूखी बुढ़िया, चल हट, इसे मुझे खाने दे। इसे मुझे खाने दे। इतने झगड़े, इतने क्लेश, इतना दुख भरा जीवन सिर्फ एक मछली के लिए। हमने हमारे पूर्व भव में ऐसे कौन से घोर पाप किए थे जो हमें ये भयंकर छठे आरे में आना पड़ा? ओहो, कितनी असहनीय वेदना से गुजर रहे ये छठे आरे के जीव। सुना है मनुष्य तो पृथ्वी के सबसे समझदार जीव है, इतना समझदार होकर भी एक कौन सा गौर पाप कर एक चट्टे आरे तक पहुंचे, देखिए एक झलक। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज की पार्टी कितना दे रही हो? तुम लोग घर पे आओ, मम्मा को पूछ के बताती हूँ। हर बार मम्मा मम्मा करती है। प्रणाम मम्मी। अरे ये क्या कर रही है, झाड़ू मार रही है कि पैर छू रही है? पैर छू रही हूँ। ये कौन सा स्टाइल है? दिस इज माय स्टाइल। जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा, फलो फूलो। मम्मा फलो तो ठीक है पर फूलो नहीं। अरे आज भगवान को दर्शन करके आई? नहीं मम्मा। अरे कम से कम आज भगवान की पूजा नहीं दर्शन तो कर गया। क्या मां, भगवान को मिलने के लिए मैं मंदिर सभी को बैठ जाना है, कृपया भगवान को तो चर्चा मत करें बहने, खास निवेदन है। पार्टी मम्मा आज की पार्टी कहाँ दूँ? अरे पगली ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे बोलते हैं, मराठी में बोलूँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। पार्टी वार्टी कैंसल, आज 14 है। क्या माँ पुराने जमाने की बातें करते हो, 14 आज तो मेरा बर्थडे है, फुल ऑन पार्टी। और चिलपिल मम्मा। चिलपिल ये क्या होता है, हर दिन देखो तब चिलपिल करती रहते। चिलपिल कुछ खाने की आइटम है क्या? छोड़ो मम्मा आप नहीं समझोगे। अरे कतरु पाप लगी, भूचकन कहो तो होम रेस को नहीं खुद रिस मनमानी करे। छठा रन टिकट एडवांस में बुक करी हुए? ये तो रोज का लेक्चर है, क्या पाप और क्या पुण्य, हु केयर्स। वैसे भी आज मेरा बर्थडे, आज का दिन मैं कैसे वेस्ट जाने दूँ?
अरे चिन्वी कौन है, देख के तो आ। हाँ अभी देखती हूँ। जिन्वी आज की बर्थडे पार्टी कहाँ दे रही है? मैरियट में ही देगी ना। अरे नहीं यार, आज 14 है, इसके लिए मम्मी ने घर पे ही पार्टी रखी है। क्या हर बार मम्मा मम्मा करती है, तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? ये रुखी सुखी पार्टी किसको पसंद है? मुझे अभी से ही भूख लगनी चालू हो गई है और तेरी पार्टी के लिए मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये घास फूस खाना मुझे पसंद नहीं, तेरी पार्टी में कुछ एंजॉय होगा ना? क्या तुम्हारा जैन धर्म 14 से आ तो बाहर मत जाओ। पजुषण आया उपास करो, ओली आई अम्बिल करो। तुम्हारे हर त्यौहार में तुम्हें भूखा ही रहना पड़ता है? हमारे त्यौहार में तो हम मस्त मजा करते हैं। तो तुम ही बताओ क्या करें? तुम्हें नहीं पता यहाँ मैरियट है, वहाँ डिस्को पब विद बार है। अरे बार मैं नहीं आऊँगी। क्या तू इतना नाटक करती है सती सावित्री बन के? पार्टी तो ऐसी होनी चाहिए जो महीनों तक याद रखे। हमें थोड़ी ना नॉनवेज खाना है। और कैश का अरेंज कर लेना, बाकी मैं संभालूंगी। फिर भी मम्मी को पता चला तो मम्मी डांटेगी। चलो हम आंटी को पूछते हैं। आंटी आज जिन्वी का बर्थडे है। मुझे पता है, फिर क्या? हम उसे बाहर लेके जाए। हम सब साथ में ही है। अरे आज 14 से मेरी तो ना है जिन्वी, तुझे क्या करना है कर। मैं अपने फ्रेंड्स को नाराज नहीं कर सकती, चलो फ्रेंड्स। शर्मा ना क्या, खुल के छू
चलो चलो फ्रेश होने जाते हैं। ये 15 मिस कॉल्स, लेट हो गया। पिता की बात नहीं मानना, पर्व तिथि का पालन नहीं करना और उसका अंत जान लेवा। मन भी कितना मोहवश चंचल है ना। भले ही हम पाप की गंभीरता को समझते हो या नहीं, कर्म बंधन तो होता ही है। एक बार पापों का भय मुक्त साहस आ गया तो बस इस चक्रव्यूह में फंसते ही गई। जैसे शुरुआत खाने से हुई और अंत नशे में धुर, अंजाम मौत तक ले गई और साथ में इन सभी पापों का पोट का। आप सभी तो समझदार है ही, अनुमान तो लगा ही लिया होगा उस पाप के पोटले का क्या हुआ होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है ये तो सुना था, लेकिन बूंद बूंद से पापों का दलदला बनता है ये अब देखा। क्या ऐसा कोई और विकल्प नहीं था जिससे ये इन पापों से बच सकती थी? विकल्प चुना तो हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर माता की बात सुन धर्म का पालन किया होता तो शायद, सोचिए जरा गंभीरता से, क्योंकि हम सभी वर्तमान के पांचवें आरे में जी रहे हैं। जीवन का आनंद लेना, दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन वो दोस्ती क्या जो हमें हमारे धर्म के मार्ग से भटका दे। अगर धर्म का मार्ग चुन उसका पालन किया होता तो शायद अंजाम कुछ और हुआ होता। आइए देखते हैं इसकी एक अंतिम झलक। प्रणाम माँ, जुग जुग जियो बेटा, जिन शासन की शान बनो। बेटी आज जन्मदिन निमित्त विशेष क्या कर रही हो? माँ मैं आज स्वद्रव्य से अष्ट प्रकारी पूजा करूँगी और फिर मेरे दोस्तों को बुलाकर। क्या पार्टी देकर मौज मस्ती, होटल वोटल? नहीं माँ नहीं, पार्टी में तो बर्थडे केक काट कर मुझे खुशी नहीं मनानी है, बल्कि मुझे अफसोस है कि मेरे जीवन काल का एक साल घट गया। सोच रही हूँ कि मेरे दोस्तों को बुलाकर सामायिक करवाऊँ और साधर्मिक भक्ति दूँ। अरे वाह, सोच तो बड़ी अच्छी है मेरे बेटी की। माँ सच कहूँ कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं ये संसार को छोड़ दूँ और धर्म से नाता जोड़ दूँ। सच में मैं दीक्षा ले लूँ। माँ क्या आप मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दोगी? अरे दीक्षा लेनी कोई मुड़ारी बात कोनी। माँ मैं जानती हूँ और देखो ना अपना जैन धर्म कितना प्राचीन, सांस्कृतिक और अद्भुत है, जो हमें सत्य का मार्ग बताता है। अपना ये जैन धर्म हमें ना ही सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत करें ये बताता है, बल्कि हम धर्म के मार्ग पर चल, हम धर्म के मार्ग पर चल हम भव भवों को किस तरह सुधार कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ये भी ज्ञान देता है। वाह बेटी, आज तो मैं धन्य हो गई। धर्म के प्रति तुम्हारा प्रेम देख मैं खुशी से गदगद हो गई। लेकिन दीक्षा कोई सरल नहीं है,
उसमें बहुत ज्यादा संयम और त्याग होता है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ और सोच विचार करके आज अपने जन्मदिन पर आपसे ये उपवास स्वरूप मांग रही हूँ। धन्य है जो मैंने ऐसी रत्न कुक्षी बेटी को जन्म दिया। धन्य है मेरे गुरुवर, धन्य है मेरी माता जिनसे मैंने यह संस्कार प्राप्त कर बेटी तुम्हारे में भी यह संस्कारों का बीजारोपण किया। धन्य धन्य हो गया मेरा जीवन। छोटी सी उम्र काहे दीक्षा धारो, काई रे काई मन में की दुआ विचार हो। छोटी सी उम्र मारे आंगनी ये रे प्यारी सी जट की कैसे जानी मैं दूर करूँ ला। आई माता जी अब दीक्षारी घड़ी आई, दीक्षा लई ने कर्म खपाऊ। संयम का मार्ग है सच्चा साथी, भव जल पार उतार हो। छोटी सी कनन बहन जिन्होंने ऐसे रत्न कुशी को जन्म दिया। सिर्फ जन्म ही नहीं, उन्होंने तो उसे संस्कारों की जमा पूंजी भी दे दी, तभी तो मोक्षा जिन शासन की शान बनी। क्या सोच रहे हैं अब आप सब, कौन सा विकल्प चुने, गलत संगति, पापों का जंजाल और सीधा छट्टा आरा, या फिर धर्म का पालन, संस्कारों का बीजारोपण और श्री मंदिर दादा के चरण? सोचिए जरा इत्मीनान से, क्योंकि आपके कर्मों का आप ही है जिम्मेदार। आखिर आप ही तो है आपके जीवन के शिल्पकार। धन्यवाद।